Want to get government jobs? Subscribe IBT official YouTube channel Make My Exam and for instant notification please push the bell. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक माई एग्ज़ाम। मैं आज आपके लिए एक अच्छी और बहुत अच्छी न्यूज़ लेके आया हूँ। इसको बहुत अच्छी न्यूज़ बोलेंगे कि IBPS ने क्लर्क के लिए 7884 वैकेंसीज लॉन्च करी। मतलब कहने का है कि पोस्ट ज़्यादा है, 8000 के करीब है। तो हम इसके बारे में बात करने के लिए बैठे हुए हैं और मेरे साथ हैं डायरेक्टर IBT के प्रदीप सिंह जी। बताइए सर। एज अमित ऑलरेडी टोल्ड यू दैट IBPS क्लर्क इज़ आउट। ये इस साल की सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है मेरे अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के लिए। बहुत से स्टूडेंट हैं जो 1 साल से 2 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोचिंग में कहीं ना कहीं उन्होंने ज्वाइन करा हुआ है। दे वर ईगरली वेटिंग फॉर दिस वैकेंसी टू कम आउट। सो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए, ऑल द एस्पिरेंट्स जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाना चाहते हैं। और यू नो अमित, सबसे बढ़िया चीज़ क्या है इसमें? द बिगेस्ट थिंग इज़ वैकेंसीज बहुत अच्छी हैं। 8000 के आसपास वैकेंसीज हैं और स्टूडेंट्स जो अप्लाई करने जा रहे हैं इसके लिए उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। और इस क्लर्क का एग्ज़ाम भी कंपैरेटिवली इजी होता है और अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो डेफिनेटली आप प्री क्लियर करने वाले हैं। यस एग्जैक्टली। क्लर्क का एग्ज़ाम का लेवल इतना टफ नहीं होता है। सो अगर स्टूडेंट का विज़न अच्छा है, उसने कोई गोल रखा है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनको छोड़नी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। सो स्टूडेंट्स, अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगी वो 12 सितंबर से स्टार्ट होगी। एंड एज यू आर ऑलरेडी अवेयर कि एप्लीकेशन ऑनलाइन ही होने वाली है और ये एप्लीकेशन की लास्ट डेट है दैट इज़ 3 अक्टूबर। और इसके बाद अगर हम एग्ज़ाम्स की बात करें, एज यू ऑलरेडी अवेयर इसमें प्री और मेंस 2 एग्ज़ाम होंगे। सो जो प्री एग्ज़ाम है उसका जो डेट है वो 2 दिसंबर से स्टार्ट होकर 10 दिसंबर तक चलेगा। और मेन एग्ज़ाम है ऑब्वियसली वो जनवरी में होगा, दैट इज़ ऑन 21 जनवरी। और एग्ज़ाम जो रिज़ल्ट आएगा वो रहेगा अपना अप्रैल के मंथ में। मतलब ये है कि प्री एग्ज़ाम अपने क्लियर करना है। जो पैटर्न पिछले साल था प्री का वही सेम पैटर्न है। मतलब करना क्या, आपको www.ibps.in पे जाइए। 12 सितंबर 13 सितंबर जो आपको टाइम मिलता है फॉर्म फिल करिए और फिर तैयारी करिए प्री एग्ज़ाम्स की। सो अमित, अगर हम इसमें पार्टिसिपेटिंग बैंक्स की बात करें, उसके बारे में आपकी नॉलेज क्या कहती है? कौन कौन से बैंक्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? लगा लीजिए कि सारे, मतलब मोस्टली जितने भी बैंक इंडिया के हैं सब पार्टिसिपेट करते हैं, SBI को छोड़ के। मतलब 19 बैंक आपके ऐसे हैं जो IBPS में पार्टिसिपेट करते हैं और जो जिनमें आपकी जॉब लगती है इफ़ यू क्लियर द एग्ज़ाम। सो इसमें सब बड़े बैंक्स आ गए, से सपोज पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये सब बैंक्स इसमें आ जाएंगे। सो ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए। लगा लीजिए ना कि IBPS क्लर्क और IBPS PO, ये 2 ऐसे फॉर्म होते हैं कि कहीं ना कहीं, मतलब अगर एक बंदा तैयारी कर रहे ना सीरियसली तो वो एक जॉब इसमें से लेके जाएगा। ओह दैट्स रियली गुड। एक जॉब लेके जाएगा अगर उसने मेहनत कर ली। वैसे आपका विजन क्या है? मतलब आराम से आपका विज़न क्या है, क्लर्क और पीओ? मैं तैयारी नहीं करता, मैं ये सब एग्ज़ाम्स क्लियर कर चुका हूँ तो मैं अभी अपने टीचिंग पे ही, क्योंकि मेरा जो एम है उस पर ही बात करता हूँ। तो आपके पास जितने स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, इतनी क्लासेस भी लेते हैं, उसमें स्टूडेंट्स का ज़्यादा टारगेट किस पे रहता है? इज़ इट फॉर क्लर्क और फॉर पीओ? उसमें मोस्टली पीओ के लिए जाना चाहते हैं, पीओ के लिए जाना चाहते हैं बच्चे। और कुछ तो बच्चे ऐसे होते हैं जैसे आप लोग के भी दिमाग में होगा कि नहीं नहीं मैंने तो क्लर्क भरना ही नहीं है, मैं तो पीओ बनना चाहता हूँ। प्लीज़ डोंट थिंक लाइक दैट। फॉर्म फिल करें, एग्ज़ाम क्लियर करें। जॉब नहीं लगती, अगर जॉब लग जाती है एंड यू डोंट वांट टू डू द जॉब, छोड़ सकते हैं आप, बट एटलीस्ट जॉब एग्ज़ाम क्लियर करें। एग्ज़ाम क्लियर करना बनता है। सो स्टूडेंट, अगर हम इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, कोई भी स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन कर चुका है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और अगर एज क्राइटेरिया की बात करें, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में कन्फ्यूज़न रहती है कि मैं इतने साल का हो चुका हूँ, कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि इसमें जो एज क्राइटेरिया है मिनिमम 20 साल है और मैक्सिमम 28 ईयर्स है। उसके बाद कुछ एक रिलैक्सेशन है, जैसे SC कैटेगरी के लिए, OBC के लिए या एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ रिलैक्सेशन है। वो सारा कुछ आप IBPS की वेबसाइट पे जाके, जहाँ हम वीडियो के नीचे एक लिंक शेयर करेंगे, उसमें पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि आप कौन सी लेयर में आते हैं और आपके लिए कितनी एज रिलैक्सेशन इसमें रहेगी। सो अमित, व्हाट अबाउट एप्लीकेशन फीस? ये जो है 600 रुपीज़ है जनरल कैंडिडेट्स के लिए और 100 रुपीज़ है फॉर SC ST एंड PWD, फिजिकली जिनको डिसेबल्ड है उनके लिए 100 रुपीज़। सो 100 रुपीज़ तो बहुत कम है SC ST PWD के लिए। करना चाहिए एटलीस्ट, अगर आप तैयार नहीं भी हैं तो भी फॉर्म भरें। मतलब अगर आपको लगता है कि आप नहीं, अभी तैयारी नहीं है या अभी आपने 10 दिन पहले कोचिंग ज्वाइन करी है, कुछ मैटर नहीं करता। आप एग्जाम में बैठेंगे, आपको बहुत तगड़ा उससे प्रैक्टिस। तो अमित, उससे क्या बेनिफिट होगा अगर किसी की प्रेपरेशन ही नहीं या कोचिंग ज्वाइन ही नहीं करा, अभी ग्रेजुएशन करके निकला है, तो एकदम से 100 रुपीज़ कहीं वेस्ट तो नहीं होंगे उनके? कोई मतलब नहीं बनता। क्या बेनिफिट क्या मिलेगा? बहुत बेनिफिट है सर। आप एग्जाम का माहौल देखेंगे, आपको लगेगा कि भी कैसा एग्जाम आया, पेपर कैसा था, आप देखेंगे, कुछ तो करेंगे आप, और इंग्लिश करेंगे अटेम्प्ट। चलिए मैथ्स अपने। सो आप अपने स्टूडेंट्स को ये मैसेज देना चाहते हैं कि चाहे प्रेपरेशन है या नहीं है, एग्जाम देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, 100%। मतलब आप फिल करें, एग्जाम पे जाएं, एग्जाम देना बनता है, इट्स नेसेसरी, आप एग्जाम दें। सो अमित, इसमें यार एक चीज़ है जो स्टूडेंट सोच रहे हैं या स्टूडेंट समझना चाहते हैं कि किस तरह का एग्ज़ाम आएगा, प्री में क्या चीज़ें रहेंगी, मेंस में क्या चीज़ें रहेंगी। आप तो इतने सालों से टीच कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर आप थोड़ा सा बताएं स्टूडेंट्स को। मेंस में देखिए चेंज किया IBPS ने, पैटर्न चेंज किया, कंप्यूटर हटा दिया, कंप्यूटर की जगह सिर्फ जनरल अवेयरनेस है। लेकिन मेंस की बात तो तब होगी जब पहले प्री क्लियर होगा, और प्री वैसा था जैसा पिछली बार था वैसा अभी भी है। सेम चीज़ें हैं, 30 नंबर इंग्लिश, 35 नंबर मैथ्स और 35 मार्क्स रीजनिंग। मतलब 35 मैथ्स, 35 रीजनिंग, 30 इंग्लिश। तो कहने का मतलब है कि वही 100 मार्क्स, 1 आवर, सेम तैयारी आपको करनी है जैसे आपने पहले एग्जाम अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो जैसे ही फॉर्म भरे ना वैसे टेस्ट देना शुरू कर दें, और आज से टेस्ट पेपर सॉल्व। मैं एक चीज़ आपसे वही पूछना चाहता हूँ, आपने जस्ट मेंशन करा कि कंप्यूटर हटा दिया, तो क्या कंप्यूटर होगा ही नहीं? नहीं होगा मेंस एग्जाम। जैसा कि हम सिलेबस, सर आप एक बार सिलेबस को दिखाएं स्क्रीन के ऊपर, जैसा कि आप सिलेबस देख पा रहे हैं, मेरे सामने भी है कि इसमें 5th सेक्शन जो होता था वो कंप्यूटर का होता था, पर इस बार ऐसा कोई सेक्शन है ही नहीं है, एक ही सेक्शन है जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का मतलब जैसे SSC का एग्जाम होता है उसमें कंप्यूटर का कहीं वर्ड नहीं होता, बट GS में 1-2 क्वेश्चन कंप्यूटर से आता है। इन द सेम वे जनरल अवेयरनेस का मतलब यू मस्ट नो कंप्यूटर। ओके, कुछ क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं या उससे ज्यादा। कहीं ऐसा तो नहीं कि एग्जामिनर या बैंक्स ऐसा सोचते हैं कि स्टूडेंट फर्स्ट से लेके 12th तक या ग्रेजुएशन तक कंप्यूटर पढ़ा है तो एग्जाम में पूछने की जरूरत नहीं है, जो बेसिक सब चीजें हैं। पूछेंगे जरूर, बेसिक चीजें हैं, लेकिन करना तो काम कंप्यूटर पे है ना एट लास्ट। ओके ओके ओके, दैट्स रियली गुड। अब सिलेबस है नॉर्मल, वही सिलेबस है जो आपका मैथ्स का, इंग्लिश का, रीजनिंग का। आप देखें, रीजनिंग के सिलेबस के बारे में बात करते हैं, मैथ्स के सिलेबस के बारे में आपकी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, नंबर सीरीज़ है, सिंप्लीफिकेशन है, क्वाड्रेटिक है। अच्छा, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप अभी दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो मैथ्स में किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्लर्क के लिए? जो टॉपिक आपको नज़र आ रहे हैं ना वो सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे एक लिखा हुआ है मिसलेनियस, मिसलेनियस में सारी क्वांट है, मतलब परसेंटेज है, आपका जो टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है। बट अगर ये नीचे वाला पार्ट मिसलेनियस वाला थोड़ा हल्का भी है ना आपका, तो ऊपर वाले पार्ट से भी आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, एटलीस्ट प्री तो क्लियर कर ही सकते हैं। अगर आप प्री क्लियर नहीं कर पा रहे ना तो फाउंडेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसको ठीक करेंगे ना अपने आप क्लियर हो जाएगा। और प्री क्लियर हो गया तो मेन्स सिर्फ स्ट्रेटेजी पर चलता है, मेंस स्ट्रेटेजी आप अच्छी बनाएंगे, मेंस अपने आप क्लियर होगा। सो मैं इसके ऊपर भी थोड़ा बताना चाहूँगा, जो लास्ट सेक्शन है हमारा दैट इज़ जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, इस बार इसको ज़्यादा वेटेज दी गई है, तो स्टूडेंट्स के लिए ये सेक्शन है, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग रहता है, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सिर्फ वो उन्होंने पूछ लिया कि गवर्नर जो अभी चेंज उनका नाम क्या है। सो बैंकिंग के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, और ये कंप्यूटर का भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा पार्ट है ना कि मेन्स एग्जाम में अगर आप ये अच्छा कर गए ना तो आप सेलेक्ट हो, मतलब यू गॉट द जॉब। मतलब इसमें जो भी 50 नंबर का क्वेश्चन आना है सीधे आएगा, भाई इनका नाम क्या है, टिक मारना है अपने, यू सी द क्वेश्चन एंड यू जस्ट टिक इट, मार इट। आपके पास कुछ डेटा है जिसमें आप ये बता सकते हैं लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रहा है या कैसा रहा है? देखिए, जो IBPS क्लर्क है वो स्टेट वाइज कट ऑफ निकालता है। जैसे दिल्ली के लिए कुछ और होगा, यूपी के लिए कुछ और हो गया, मध्य प्रदेश के लिए कुछ और होगा। तो पिछली बार जो दिल्ली के लिए कट ऑफ गई थी वो 67.25 गई थी, राजस्थान के लिए गई थी 66.75। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे सब कुछ। लेकिन जैसे हम डिसाइड करते हैं ना फॉर्म भरते टाइम कि यार इसकी कट ऑफ कम गई थी, यही वाला फॉर्म भर देते हैं, ऐसा ना सोचें आप लोग। फॉर्म भरें, तैयारी करें, इट्स अबाउट, अगर आप देख भी रहे होंगे ना 1-2 नंबर 3 नंबर का फ़र्क पड़ता है। अगर आप फुली प्रिपेयर्ड है ना तो इससे कुछ मैटर नहीं करता, यू गोना क्लियर द एग्ज़ाम। जैसे सर आप इस फील्ड में बहुत सालों से, आप तो जैसे मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपको क्या लगता है कि जो बच्चे इतनी सारी तैयारी करते हैं कहाँ कमी रह जाती है कि निकाल नहीं पाते एग्ज़ाम्स वगैरह? से जैसा कि हमने पहले भी वीडियोस में शेयर करा है कि कमी रहती कहाँ है, मेनली जो कमी रहती है दैट इज़ ऑन एफर्ट्स। स्टूडेंट्स को ये पता नहीं है कि किस चीज़ को टारगेट करना है, किस चीज़ को टारगेट नहीं करना है। वो क्या लेके चलते हैं जी, अगर से सपोज परसेंटेज आ तो परसेंटेज सभी एग्जाम्स के लिए सेम जैसे पढ़ना है। इन स्टूडेंट्स को यहाँ पे ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। इस चीज़ के ऊपर स्टूडेंट्स को फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा कि हम भी अभी स्टार्ट हो जाएगा, IBPS क्लर्क के लिए भी हम लोग एक मिशन IBPS क्लर्क के नाम से बनाएंगे, जिसमें हम लोग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी वीडियो सबके साथ शेयर करेंगे। हम लोग इसके बाद लाइव शोज़ भी करने वाले हैं। सो IBPS क्लर्क को हम लोग मेक माई एग्ज़ाम के ऊपर भी अच्छे से फोकस करेंगे। और अगर स्टूडेंट मेक माई एग्ज़ाम को ही फॉलो करना स्टार्ट कर दें तो मैं नहीं समझता हूँ कि उनकी जॉब नहीं लगेगी। बिल्कुल, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे ऑल इंडिया एक्सपर्ट्स रहते हैं सभी सब्जेक्ट्स के, और वो वही करवाते हैं जो एक्चुअल में एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। सो स्टूडेंट्स को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ आज ही सब्सक्राइब करें, चैनल को देखना स्टार्ट करें, बिकॉज वी आर गिविंग द बेस्ट टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि आप जो है अभी क्लर्क का फॉर्म भरें, इसकी तैयारी शुरुआत करें। इसके लिए हम आपको वीडियोस भी मिलेंगे, सो बी रेडी अबाउट इट। और कोई डाउट होता है, कुछ पूछने का बात होता है तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। बट एक चीज़ आप ध्यान रखें कि अगर आप अपना होप मजबूत रखेंगे ना, पैशन, तो डेफिनेटली कुछ भी हो सकता है। मतलब इट्स अबाउट जस्ट गिविंग सम टाइम टू यू। मतलब कहने का है कि अगर आपने दम लगा रखा कि हाँ मैंने पढ़ लेना है, मैंने क्लियर ही कर लेना है, मैंने ऐसे बोले कि यार नहीं कुछ भी हो जाए मैंने एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आप क्लियर करके ही मानोगे। क्योंकि आपने तो बहुत सारे एक्सेप्शन है, कुछ नहीं आता। ऐसे भी बच्चे मेरे साथ थे जो IBT में भी पढ़े हुए हैं, जिनको 0.001 इंटू 0.1 मल्टीप्लाई करना नहीं आता। मैंने सर से डिस्कस भी किया था एंड ही क्लियर द एग्जाम। तो अगर ऐसे बच्चा क्लियर कर सकता है तो कोई भी क्लियर कर सकता है। सो कहने का मतलब एक अच्छी डायरेक्शन और एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत है, एक अच्छा चैनल देखने की ज़रूरत है जिस पे उसको डेली बेसिस के ऊपर गाइडलाइंस मिलती रहेंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो सीरियसली आई थिंक ये बहुत अच्छी डिस्कशन थी IBPS क्लर्क के ऊपर। आप सब इसको लाइक करेंगे। और अंत में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अपना गोल रखें, अपना विज़न रखें। और एक छोटा सा शेर मैं यहाँ पे अर्ज़ करना चाहता हूँ, मंजिल मिल ही जाएगी, मंजिल मिल ही जाएगी, भले देर से ही सही, गुमराह तो वो है जो कभी घर से निकले ही नहीं। सो आज से ही ट्राई करें, हैव योर गोल, हैव योर विज़न, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड इन अ बैंक। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।